बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके और उसमें से पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर तो पावर पॉइंट की फाइल जनरेट हो जाएगी। अब उसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आ जाएगी जो आपको नज़र आ रही है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो पावर पॉइंट से मुतल्लिक है। पावर पॉइंट में भी जैसे कि बाकी दो जो मैंने पढ़ाए हैं एक्सेल और वर्ड पढ़ाया, इसी तरह पावर पॉइंट में भी सिमिलर चीज़ें हैं। बेसिक बेसिक चीज़ों की आज हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जी होम टैब है, ये क्विक एक्सेस वाला रूल है ऊपर वाला। ये वाला जो है ये हमारे पास होम रो है जिसमें ये टैब्स हैं डिफरेंट, जिसमें से इंसर्ट है, डिज़ाइन, ट्रांजिशन। अच्छा, इसमें से कुछ टैब नहीं शो हो रही हैं, जैसे एंड नोट ये मैंने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पे तो उसकी प्लग ही नहीं आया हुआ है। ये आपके उसमें होना लाजिम नहीं है। इसमें से जो बेसिक बेसिक है उनकी हम बात कर लेंगे। सबसे पहले होम आता है। होम में अब देखें आपके पास ये कहता है क्लिक टू ऐड फॉर स्लाइड, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड ऐड हो जाएगी। यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं क्लिक, जहाँ कि मेरा कर्सर मौजूद है। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये देखें स्लाइड आ गई। इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लिक टू ऐड द टाइटल। जैसे मैं यहाँ टाइटल करता हूँ इंट्रोडक्शन टू ICT, तो इस यहाँ आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड आ गई। इसके बाद अगर मैंने सेकंड स्लाइड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, इस स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो ये नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसमें यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट को गलत कह रहा है क्योंकि मैंने एस कैपिटल लिखा था। इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट करके इस तरह ठीक भी कर सकते हैं पावर पॉइंट। तो इसमें हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले होती है क्विक एसेस बार, क्विक एसेस बार, क्विक टूल, क्विक एसेस बार, क्विक इसके बाद फिर एक होती है हमारे पास होम रो, फिर होम टैब है, ये वाली टैब्स हैं, इंसर्ट टैब है। अच्छा, ये मैं खुद आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते हैं, लाजमी ये लिखें जो आपकी प्रेजेंटेशन है। लेट्स सपोज इफ समवन इज रिलेटेड टू बॉटनी तो बॉटनी वो लिख सकता है। इसी तरह किसी के इस्लामियात से मुतल्लिक है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखे जी, बॉटनी की स्पेलिंग। इसी तरह इस्लामियात है, इस्लामिक स्टडीज, तो ये आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये अभी वाइट में है, इसका कलर भी चेंज हो सकता है। अच्छा चलो हम तरतीब से चलते हैं। अगर मैंने ये कॉपी करना है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ जनाब पेस्ट करूँगा तो वही दोबारा लिखा जाएगा। और अगर मैं यहाँ कुछ चीज़ इसको कट करता हूँ तो कट हो जाएगा, इसको मैं आगे नीचे जाके पेस्ट करता हूँ तो फिर दोबारा पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, तो ऊपर से कट होके नीचे पेस्ट हो जाएगा। न्यू स्लाइड यहाँ से आती है, मैंने बता दिया। लेआउट होता है ये कि आपकी टाइटल है, टाइटल कंटेंट सेक्शन, आपने कौन सी वाली स्लाइड करनी है वो ये। अगर मैंने ब्लैंक करनी है तो ये देखिए ब्लैंक हो जाएगी। ये डिज़ाइन आइडियाज़ दे दिया उसने, लेकिन मैंने ये इसके इसके बजाय हमने टेबल एंड इसी पे जाते हैं जो था, तो हमारे पास ये ब्लैंक वाली आ गई। इसके बाद फिर ये, अब मैंने ये वाला डाटा इस पे डालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा
यहाँ आऊँगा, यहाँ मैं पेस्ट करूँगा तो वही चीज़ यहाँ पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर ये मैंने कॉपी करना है तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट करके मैं इस पे आऊँगा, इसके इसमें डालूँगा तो फिर ये हो जाएगा। इसी तरह रीसेट है, सेक्शन है कि आप सेक्शन कैसे बना जा रहे हैं, ऐड सेक्शन। तो यहाँ ये देख रहे हैं ये सेक्शन ऐड हो गया, ये मैं क्लिक करूँगा खत्म। मूव सेक्शन, सेक्शन रिमूव हो गया। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ दोबारा इस स्लाइड पे। इसमें जैसे ही मैं इस पे आता हूँ तो ये वाली जो है इसका फॉन्ट साइज क्या रखना है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। इसको इसका मैंने चेंज करना है, अगर मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देखें अल्जीरियन, ये देखें ये किस तरह हो गई। इसको बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसका साइज़ मैंने बढ़ाना है, फर्दर मैं बढ़ा देता हूँ तो साइज़ बढ़ जाएगा। इसको मैं कहता हूँ मिडल होना चाहिए सेंटर में, वो यहाँ से होगा, यहाँ से देख रहे हैं ये करेंगे तो ये लेफ्ट लाइन, ये लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, मिडल, और ये वाला जस्टिफाइड है, यहाँ हमें मिडल चाहिए। ये इसी तरह बुलेट फॉर्म जो है आप ये देख रहे हैं, ये बुलेट्स हैं, अब ये डॉट वाले हैं। इस इन बुलेट्स को मैं चाहता हूँ ये चेंज कर दूँ तो इस तरह यहाँ से चेंज जाएंगे, जैसे अब ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने बता दिया, ये अटैलिक जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था सारी चीज़ें, अंडरलाइन का, अटैलिक का, उनके लिए है ये। उसका अगर आपने शेडो देखना है तो शेडो वाला टेक्स्ट शेडो आ जाएगा, ये नॉर्मल उनके दरम्यान क्या होने चाहिए, करीब करीब हों, वर्ड दूर हों। इस तरह इसका साइज़ बढ़ाना, कम उसका अपर केस करना, लोअर, देखिए ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो देखिए उसकी चेंज हो रहे हैं, ये जैसे अपर केस हो गया है सारा, ये अपर केस हो गया, यहाँ से साइज़ बढ़ेगा। ये इसके उसके लिए है, इसको दोबारा अगर मैंने करना है तो नो कलर पे जाऊँगा तो फिर सेलेक्ट करके, ठीक है नो कलर हो गया। और अगर मैंने इसको अच्छा, अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से मैं रेड करता हूँ तो ये सारा रेड में हो जाएगा। अगर मैं दोबारा ऑटोमेटिक पे जाता हूँ फिर ऑटोमेटिक, या ये ब्लैक है वैसे, इसमें एक ऑटोमेटिक की भी होती है ऑप्शन। यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे दोबारा ब्लैक हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ें बता दीजिए, शेप अगर आपने कोई ऐड करनी है यहाँ से आप शेप वगैरह ऐड कर सकते हैं, रेंज करना है यहाँ से रेंज कर सकते हैं, और इस तरह जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसमें कर सकते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में अगर आपने अच्छा स्लाइड वहाँ से भी ऐड हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। टेबल अगर इंसर्ट करना है, जैसे कि अब मैं एक स्लाइड नई ऐड करता हूँ, पहले ये नई स्लाइड ऐड होगी, इसमें यहाँ मैंने फर्ज करें टेबल अगर कोई ऐड करना है तो मैं यहाँ टेबल बना सकता हूँ, और इस टेबल में नंबर लिख सकता हूँ, जैसे कि सेशनल मार्क्स, यहाँ मैं लिखता हूँ मिड मार्क्स, और यहाँ मैं एंड मार्क्स लिखता हूँ। ये 20, ये 30, और ये 50, इस तरह है। किसी के ये 5 आए हैं, यहाँ 6 नंबर हैं, 7 हैं, यहाँ 30 नंबर हैं, उसके इस तरह आप ये बना सकते हैं। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये यहाँ से स्टाइल है, ये टेबल का स्टाइल है ये। तो बहरहाल मैंने बताया, इंसर्ट में गए हम, इंसर्ट में जाकर टेबल हो जाएगा। पिक्चर इंसर्ट करनी है इस डिवाइस में, यानी लैपटॉप में कहीं मौजूद है वहाँ से डाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शेप्स आप ऐड कर सकते हैं, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, आपने यहाँ से जूम कर सकते हैं। ये सिंबल्स, अगर आपने सिंबल डालना है, इक्वेशन का कोई सिंबल डालना है, जैसे कि ये है, ये देखें यहाँ ये आ गया है, इक्वेशन आ गई है, इसको आप इस तरह जूम भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडियल, इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आ सकती है।
इसी तरह आप देखते हैं फ्रैक्शन में अगर आपने लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये जिस टाइप का भी लिखना चाहें। ये देखें डेरिवेटिव्स वगैरह, पार्शियल डेरिवेटिव, पाई बाई टू, ये आप लिख सकते हैं। इनस्क्रिप्ट, ये चीज़ें ये वही है जो वर्ड में एक्सेल में हमने थी। इस तरह ये कंटूर, इंटेग्रल, ये इंटेग्रल। इस तरह अगर आपने मैट्रिक्स करना है तो मैट्रिक्स, ये देखें ये आ गया मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये देखें ये मैट्रिक्स आ गया इधर। इसको अगर ज़्यादा लिखना है यहाँ, अब इसमें जाएं, इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाके सिंबल में जाएं, इक्वेशन में जाएं। इक्वेशन में जाने के बाद कोई आप लिख लें। अब इसकी जगह आपने जो लिखना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में जाके ये ले लें तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें ये वाली जो है आप उसको रेज कर दें, चाहे ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरह आप ना टाइप कर सकते हैं, ब्रैकेट डाल सकते हैं। इसमें ब्रैकेट अगर डालनी है आपने तो आप ब्रैकेट डाल के और इसको कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये ब्रैकेट डालें यहाँ, आप ब्रैकेट के दरमियान में आके और फिर आप इंसर्ट में जाएं, सिंबल्स में जाएं, तो बहरहाल आप इस तरह कर सकते हैं। वैसे ये ब्रैकेट वगैरह के लिए मैं टाइप नॉर्मली यूज करता हूँ। ये ऑपरेटर्स, लिमिट्स, तो बहरहाल आपने जो इंसर्ट करना वो कर सकते हैं और ब्रैकेट यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से। ठीक है, आप जो ब्रैकेट लेना चाहें वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि चलो नई नई स्लाइड पे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ आपने इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में जाएं, इक्वेशन सिंबल में जाएं, जिसमें से जो सिंबल लेना वो सिंबल ले सकते हैं आप, सिंबल्स। ठीक है, ये मुख्तलिफ ग्रीक के वर्ड्स हैं, पाई, फाई, साई, डिफरेंट अल्फा बीटा, आप डिफरेंट वो कर सकते हैं। अच्छा, हमने जाना है बेसिकली इक्वेशन, न्यू इक्वेशन टाइप इक्वेशन। हेयर में हमने ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेनी है, ब्रैकेट हमने लेट्स सपोज ये वाली सेलेक्ट की, इसके अंदर इस जगह पे हम जाएंगे मैट्रिक्स में जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स को करेंगे, तो फिर ये पूरा आप देख रहे हैं कि अब ये वाली ब्रैकेट सही आ गई है। तो इस तरह आप ना अपना वो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इंसर्ट का बता रहा था। इंसर्ट में बाकी चीज़ें भी हैं, कमेंट्स वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ड्रा में चले जाते हैं, ड्रा में बड़ी मज़े की। अच्छा, ये मेरा टच है तो इसमें ड्रा आ रहा है, शायद आपका उस तरह ड्रा ना आए। डिज़ाइन में चले जाते हैं, डिज़ाइन में अभी आप देख रहे हैं कि मेरी जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, ठीक है, 5 स्लाइड अभी हो चुकी हैं, नीचे लिख भी रहा है, ये 5 स्लाइड हो चुकी हैं। लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, आप लैंग्वेज में जाके, आप ये बेसिकली जर्मन है तो इस वजह जर्मन, इसके बजाय हम यूनाइटेड स्टेट कर देते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की अब आना शुरू हो गई है। एनी हाउ, मैं ये कह रहा था कि हमारे पास टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, 5 हैं, और उन 5 स्लाइड्स का अगर आपने कलर चेंज करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, तो आप ये देखें जो मैं सेलेक्ट करता हूँ वही हो जाता है। जैसे ये मैं लेट्स सपोज कहता हूँ मैंने ये चूज़ कर लिया। फर्दर ये कि यहाँ इसका मैं चाहता हूँ कि स्लाइड नंबर भी आ जाए, तो
तो इंसर्ट में देखें फुटर है जी, ये रहा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर में जाके स्लाइड नंबर आप कर लें, तो स्लाइड नंबर अप्लाई टू ऑल कर लें, तो अब आप देख लें कि यहाँ 5 लिखा आ रहा है। अच्छा, मैं अगेन डिज़ाइन पे जाऊँगा, डिज़ाइन पे मैंने ये किया था, और इसके जब मैंने ये किया तो इसकी भी आगे कई वेरिएशन आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कलर्स काफ़ी सारे हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे वही हो जाएगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। अच्छा, अगर मैं ये करूँ तो ये वाला डिज़ाइन भी बिल्कुल आ सकता है, और अगर मैं जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं, ये वाला कलर करना चाहें ये कर लें, इसके भी ड्रॉप डाउन करें तो ये इतने सारे आए हुए हैं, तो ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं, जो आप बेहतर समझें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें तो खुद ब खुद वो स्लाइड नंबर जो है ना साइड पे जा रहा है इसके। लेकिन ये सारा वाइट में लिखा हुआ है, नज़र नहीं आएगा। मैं चला जाता हूँ इस पे, अब ये देखें इंट्रो नज़र आ रहा है, इंट्रो लिखा गया है, इधर स्लाइड नंबर भी आ रहा है। तो इस तरह आप जो है ना ये कर सकते हैं डिज़ाइन में, ट्रांजिशन में जाके। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें मैंने ये बतानी थी कि नीचे स्लाइड 5x5 नीचे वाली सबसे लाइन जो है इसकी, ये 74% ये है जूम, इसको आप 100% करें तो ये 100% पे चला जाएगा। डिज़ाइन आइडियाज़ को हम क्लोज़ कर देते हैं, तो ये इस वक्त यहाँ से आप इसको वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन में ये है कि जिस वक्त आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो एक के बाद दूसरी कैसे, यानी राइट साइड पे जाए लेफ्ट साइड पे जाए, स्प्लिट हो, जैसे कि ये पुश वाली मैं अब करता हूँ, इस तरह हो क्या आया करेगी। तो अब आप देखें कि ये पहली स्लाइड है, इस पे ये स्लाइड शो आ गया, इस पे क्लिक किया, अब ये टोटल ये देखें, तो ये उसने ट्रांजिशन इसमें अप्लाई कर दी। देखें ये इसे पेज पहले देख रहे हैं आप, वो सिंपल हो रहा है, लेकिन यहाँ जाके ट्रांजिशन, तो ये ट्रांजिशन आप तमाम पे भी कर सकते हैं। अब मैं स्केप दबाऊंगा तो दोबारा उस पर आ जाएगा, यहाँ से नॉर्मल व्यू है ये। अगर आपने स्लाइड सॉर्टर कि इसमें देखना है कौन सी स्लाइड में क्या है, उसके बाद रीडिंग मोड है, उसके बाद फिर ये वाला हमारा स्लाइड शो है, स्लाइड शो आया, स्लाइड शो के बाद आप इसको करें तो फिर आपका अगेन नॉर्मल पे जाएंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ नोट्स, अगर एक्स्ट्रा नोट्स कोई हो तो, यानी जो स्लाइड के अलावा आपने डिस्क्रिप्शन ऐड की हो, जैसे ये यहाँ मैं क्लिक करता हूँ ना ये नीचे, तो ये इस स्लाइड से मुतल्लिक जो भी मैं लिखता हूँ वो आ जाएगा। अच्छा, ये याद रखिए कि ये मैंने यूएसए की इंग्लिश लिखी है, वरना दूसरी इंग्लिश में तो एक्सप्लेन के जो XPLAIN होता है स्पेलिंग। अच्छा, एनिमेशंस भी हो सकती हैं, डिफरेंट एनिमेशन आप कर सकते हैं, स्लाइड शो ये भी जो मैंने करके दिखाया उसमें से यहाँ से भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर ऑनलाइन लेक्चर देना है या कुछ करना है यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रहा, मैं कुछ और यूज़ कर रहा हूँ। कस्टम स्लाइड है, रिकॉर्ड का है, व्यू रिव्यू व्यू टैब, अगर आप एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो एक दूसरे के कमेंट कर सकता है, कमेंट्स ऐड कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, एक से ज़्यादा अगर जो है इस तरह कोई चेंजेस की गई है उसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करना वो आप कर सकते हैं। रिव्यू में जाके, व्यू में जाएं तो व्यू में इसका एक देखें ये रूलर आ जाएगा ऊपर, ये देखें ये रूलर आ गया। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं इसमें जाता हूँ, इसको जाके मैं सेलेक्ट करता हूँ, अभी इस और इसके दरमियान डिस्टेंस थोड़ा कम है, मैं चाहता हूँ डिस्टेंस बढ़ जाए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसको ड्रैग कर लूँगा, ये देखिए अभी ये डिस्टेंस बढ़ गया है, ये बड़ा काम की चीज़ होती है रूलर। ग्रिड लाइन भी आप कर सकते हैं, गाइड्स भी, लेकिन नॉर्मली मैं रूलर के साथ काम करता हूँ। हैंड आउट मास्टर होता है ये, इसमें आप बना सकते हैं कि भी
हैंड आउट में हेडर डेट वगैरह और ये चीज़ें कर सकते हैं। क्लोज मास्टर व्यू, ये क्लोज हो गया। अच्छा जी, हम गए थे व्यू में, स्लाइड मास्टर भी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम बार बार हर जगह जो चेंज करते हैं फॉन्ट साइज और फॉर्मेट, उसको आप यहाँ भी जो स्लाइड मास्टर इसमें जाके भी कर सकते हैं कि पहले लेवल की ये होगी। अब इसका क्या है, ये है सेंचुरी गोथिक और 18 है, सेकंड वाला देखें तो ये 16 पे है, ये है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्लाइड्स हैं इन सब में ये फॉर्मेट जो है ना वो टाइम्स न्यू रोमन हो जाए, तो मैं सिर्फ यहाँ टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ, वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही इसको मैं क्लोज करता हूँ, अब आप जाएं ये देखें, अब खुद ही ये जितना भी लिखा हुआ है सारा का सारा टाइम्स न्यू रोमन में हो चुका है। ये फायदा होता है स्लाइड मास्टर का, और मुझे बड़ी देर से ये इस चीज़ का पता चला। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पावर पॉइंट का काम हो तो मैं ये सर्च करूँगा कि आप स्लाइड मास्टर की जो है ना वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके भी काफ़ी बन गई हैं और आपके लिए इनफ है। ये अगर किसी शेप पे, जैसे ये शेप पे है ना, तो शेप फॉर्मेट ये वर्ड में भी आ जाता है, एक्सेल वगैरह में भी आ जाता है। तो उस शेप के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी है वो हो जाती है। जैसे कि आप जो इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इसके अंदर फिर इंसर्ट हो जाएगा। तो मैंने कोशिश की है ये बड़ा सिंपल रखूं। तो ये है जनाब आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मुतल। तो आई थिंक आपके लिए बेसिक लेवल पे इतना इनफ है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन ये हो सकती हैं कि होम के अंदर कौन कौन सी जनाब वो हैं, होम टैब के अंदर कौन कौन सी ये मेन्यूज हैं, तो आप बताएंगे फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग कौन सा। तो कोशिश करूँगा, क्लिप बोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्लाइड्स का सेक्शंस है। इसके अलावा ये पूछ सकता हूँ कि मैंने इक्वेशन पे काफ़ी टाइम दिया था कि क्योंकि हमें इक्वेशन से बड़ा वास्ता पड़ता है, तो सिंपल में जाके यहाँ से आप इक्वेशन करती है, तो ये आपको जुबानी याद होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम। तो इन चीज़ों को ज़रा फोकस कीजिएगा। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू क्लास।